ग्रामीणों ने 500 ट्रैक्टर लेकर वारासिवनी एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। बालाघाट जिले के वारासिवनी जनपद अंतर्गत ग्राम सावरी वात्री के साथ खैरलांजी क्षेत्र से लगभग 500 ट्रैक्टर मालिकों ने मजदूरों सहित अपने ट्रैक्टर के साथ पहुंचकर वारासिवनी नगर में ट्रैक्टर रैली निकाली और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने मांग की है कि कुछ लोगों द्वारा वैद्रेट घाट को अवैध बताते हुए बंद करा दिया गया, जिससे हमारा रोजगार छीन गया। ग्रामीणों का आरोप है कि कुछ नेता और असामाजिक तत्व द्वारा लगातार शासन द्वारा वैध रेत घाटों में जाकर उसे अवैध बताया जा रहा है और कामों को बंद कराया जा रहा है और ग्रामीणों को हमारे खिलाफ बरगलाया जा रहा है, जिसके चलते हमारे रोजगार संकट में आ गए हैं। ऐसे में हमारे घर परिवार का गुजर बसर करना भी मुश्किल हो गया है। वहीं ट्रैक्टर चालकों द्वारा निकाली गई रैली से कई घंटों तक शहर का यातायात प्रभावित दिखा। आक्रोशित चालकों ने कुछ देर के लिए एसडीएम कार्यालय के सामने अपने ट्रैक्टर खड़े करके विरोध जताया। वहीं एसडीएम ने बताया कि ट्रैक्टर मालिकों ने मुझे ज्ञापन सौंपा है और उनकी मांग है कि जो रेत घाट बंद किए गए हैं उसे चालू कर दिया जाए, जिससे कि हमें रोजगार मिल सके। मैंने भी इसे संज्ञान में लेकर संबंधित तहसीलदार को बता दिया है और जल्द ही निराकरण निकाला जाएगा। बताइए आपका परिचय। मेरा नाम है कौशलनाथ तुलकर। आज किस संबंध में ज्ञापन सौंपने आए? हम लोग इस संबंध में आए कि जो रेत घाट हमारे यहाँ चालू है। कौन सा घाट है, नाम बताइए? चिचोली घाट जी। जिसमें कुछ नेताओं द्वारा आकर हमें डराया धमकाया जाता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। ट्रैक्टर मालक और मजदूर की इन लोगों के द्वारा जो हमको धमकाया जाता है, तो हम शासन प्रशासन से ये चाहते हैं कि हमारा घाट वैध है, अवैध है। हम लोगों की यही मांग है, क्योंकि हम लोगों को आज कहीं रोजगार नहीं मिल रहा है। आज ट्रैक्टर चलने से हमारे यहाँ करीबन 1500 मजदूर उसमें काम कर रहे हैं, सभी लोगों को काम मिल रहा है। और जब हम शासन प्रशासन से ये पूछते हैं कि जब वो रेत घाट अवैध है, तो फिर उस घाट से रॉयल्टी इशू कैसे वो ठेकेदार कर पाए, इसी मांग को लेकर के हम लोग यहाँ आए हैं। ताकि इसके पूर्व यदि उनके द्वारा वहाँ आकर डराया धमकाया जाए, तो उस पर शासन प्रशासन कार्रवाई करे। खैरलांजी क्षेत्र में सावरी घाट है, रेत घाट है, वहाँ पे 3-4 दिन से अभी काम बंद है, क्योंकि उसके आगे जो एक खैरी ग्राम पंचायत है, वहाँ से ट्रकों का आना जाना होता है। तो खैरी के जो ग्राम के लोग थे, उन्होंने रास्ता बंद कर दिया, ये बोल के कि रास्ता ख़राब हो रहा है, पुल हमारी टूट रही है इस वजह से। तो अब डंफर आ नहीं पा रहे हैं सावरी से, तो जाम होने की स्थिति में वहाँ काम बंद कर दिया। तो वहाँ लगभग 150-200 ट्रैक्टर जो काम करते थे घाट पर, वो सबके सब यहाँ पे आए हुए थे। एक ज्ञापन दिया उन्होंने, उनका ज्ञापन में यही मांग थी कि साहब हमारा जो रोज़गार है, रोज़गार हमको वापस किया जाए। ग्रामीण क्षेत्र का जो भी इशू है रोड का है, तो ये शासन स्तर की चीज़ें हैं, रोड शासन बनाएगी अगर ख़राब होती है। लेकिन रोड को रोक के और हमारा रोज़गार, मतलब हम लोग जो रोज़गार, उनको बेरोज़गार किया जा रहा है, ये गलत है। इसी संदर्भ में उन्होंने आज ज्ञापन दिया है। इसके लिए मैंने तहसीलदार, माइनिंग डिपार्टमेंट के जो माइनिंग इंस्पेक्टर हैं, और TI साहब से चर्चा की है। तो हमारा दल जाएगा वहाँ पे, बात करेगा और ग्रामीणों जो आक्रोशित हैं उनको समझाइश दी जाएगी। समझाइश देने के उपरांत से हम वापस से वहाँ पे काम स्वीकृत कराकर, काम स्वीकृत है, हालांकि घाट स्वीकृत है, काम शुरू कराएंगे। बालाघाट से वीरेंद्र श्रीवास की रिपोर्ट।